सोलन में कोरोना को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। हर व्यक्ति कोरोना कहीं उसे या उसके परिवार के सदस्यों को ना हो जाए, इसके लिए बेहद चिंतित है। इसके लिए बचने के लिए वे हर संभव प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते वे मास्क और सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। यही कारण है कि सोलन में मास्क और सैनिटाइजर की मांग अचानक बढ़ गई है, जिसका फायदा अब सोलन के कुछ एक केमिस्ट उठाना चाहते हैं। सोलन में कोरोना को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। हर व्यक्ति कोरोना कहीं उसे या उसके परिवार के सदस्यों को ना हो जाए, इसके लिए वे बेहद चिंतित है। इससे बचने के लिए वे हर संभव प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते वे मास्क और सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। यही कारण है कि सोलन में मास्क और सैनिटाइजर की मांग अचानक बढ़ गई है, जिसका फायदा अब सोलन के कुछ केमिस्ट उठाना चाहते हैं। जो मास्क बाजार में 15 रुपए का था, वे अब 50 से 75 रुपए का ब्लैक में बिक रहा है। जो मास्क 175 रुपए का था, वे अब 350 का हो चुका है। सैनिटाइजर जो ब्रांडेड है, उसकी जगह देसी सैनिटाइजरों ने ले ली है। जो अपना काम भी सही से करेंगे या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अब केमिस्ट ब्रांडेड सैनिटाइजर नहीं बेच रहे हैं, जिसकी शिकायतें जिला प्रशासन के पास भी पहुंच चुकी हैं, जिस पर जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसे मास्क डालने की आवश्यकता नहीं है। मास्क वह व्यक्ति डाले जिसे सर्दी या जुकाम हो। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि सोलन के बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर को अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है, जिसके चलते वे जल्द ही केमिस्ट एसोसिएशन से बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें वे उन्हें सख्त आदेश देने जा रहे हैं कि अगर कोई भी केमिस्ट कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सोलन की जनता से आग्रह किया कि वे साबुन से हाथ बार बार धोते रहें और अपनी यात्राओं को यथासंभव रद्द करें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। और इसमें एक सिंपल है कि हर एक की जो सैनिटाइजर के कहते हैं कि सैनिटाइजर नहीं कि ब्लैक मिलेंगे, और जो मास्क है वो नहीं मिल रहा है, उसकी हमने एक बैठक रखी है या अपने केमिस्ट एसोसिएशन से डॉक्टर से। जो इसकी लिस्टिंग ज़्यादा पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरा ये बात है कि ज़रूरी है कि सैनिटाइजर से ही होगा, आप समय समय पर हाथ इसे डिटर्जेंट इसे साबुन से धोते रहे, यही इसका पर्याप्त सोल्यूशन भी है। और जहाँ मास्क की बात है, मास्क वो पहने जिसको सर्दी जुकाम वगैरह है। एक आम आदमी को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। मास्क जो इफेक्टेड आदमी है, चाहे वो फ्लू से है चाहे है वो छींकता है, उसको मास्क की आवश्यकता है। यहाँ जनरली जो मास्क जो पहना है कि एक आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ है समाज में है, उसको मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। एक ये बहुत बड़ा एक इल्यूजन फैल जा रहा है, इससे लोग बचे। और लोगों से ये कि जहाँ समारोह में जहाँ गैदरिंग है कम से कम जाए। और आगे जैसे कि एक मैं ये भी कहा कि मीटिंग्स में आने वाले समय में जैसे कि एक दुकानों में एक आपके सेल आउटलेट में रिटेल है तो लोगों की भीड़ होती है, उनसे बचें। भीड़ वाले स्थानों में तो एक स्थिति बना के रखें, 15 दिन का साइकिल रहता है इसका, और 15 दिन और आप घरों में यथास्थिति कम से कम ट्रेवल करें, कम से कम बाहर ये करें, और बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप एहतियात में ही इसका बचाव है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।